हमारे एक और नए वीडियो के साथ JVVN हेलपर 2K। ठीक है फ्रेंड्स, हम लेके आए आपको इस पास शिफ्ट 2K एग्ज़ाम एनालिसिस। तो कैसा रहा पैटर्न, कैसे आए क्वेश्चन, देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी थी? तो कितनी थी फ्रेंड्स, 160। छतरपुर किसका प्राचीन नाम था? छतरपुर किसका प्राचीन नाम था? नागौर का। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान किसको बोला जाए? ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर को। एक साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवोगाद्रो संख्या पूछी थी, तो अवोगाद्रो संख्या 6.022141 × 10³। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो कब हुए थे प्रथम आम चुनाव? 1952 में। राजस्थान के युवा मंत्री, इन पे एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए मैंने लिख दिया, राजस्थान के युवा मंत्री कौन है? सचिन पायलट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, विलोम शब्द पूछा गया था फ्रेंड्स आदर्श का। जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो जवाई बांध कहाँ स्थित है? पाली में, जवाई नदी पे। ओके फ्रेंड्स, ल्यूवेन होंक ने किसकी खोज की? ल्यूवेन होंक ने किसकी खोज की थी? जीवाणु की। अंगूठा चूसना मुहावरे का मतलब पूछा था, जीवाणु की खोज किसने? फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन दो बार आया था घुमा घुमा के, एक तो पूछा था ल्यूवेन होंक ने किसकी खोज की, तो एक वापस पूछ ले जीवाणु की खोज किसने की, तो ल्यूवेन होंक ने जीवाणु की खोज की थी। बारी जल का रासायनिक नाम, बारी जल का रासायनिक नाम D2 होता है फ्रेंड्स, D2O, और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटोरियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, D2O हो जाएगा। पारे का चिन्ह, पारे का चिन्ह क्या होता है? तो HG, IGNP। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो 31 मार्च 1958, गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोलता था, कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे साइंस के और राजस्थान जीके के, तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चन वापस रिपीट होके देखने को मिल रहे हैं। आज भी इंदिरा गांधी नहर पे मैंने पूरे डिटेल्स में उसमें बताया था, तो एक बार वो आप वीडियो ज़रूर देख लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं सजेशन भी देता हूँ कि उस वीडियो सजेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो में से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करने वाला एक उपकरण पूछा था, बर्नौली का सिद्धांत आप देख लेना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो कौन सी है फ्रेंड्स? यकृत। त्रिपोलिया बाजार कहाँ स्थित है? त्रिपोलिया बाजार कहाँ है फ्रेंड्स? कंवर नगर जयपुर में। जिस आकाशगंगा में पृथ्वी मौजूद है उसका नाम पूछा था, तो कौन सी है फ्रेंड्स? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मुहावरा पूछा था सागर में गागर। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के एग्जाम के एनालिसिस, तो आप देख लेना क्वेश्चंस है, और वो वीडियो आप ज़रूर देखना। आगे शाम की शिफ्ट के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है वो हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल SSS को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमें अदर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके द्वारा आप हमें अनदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स।